दो सवाल बता दिए जाएंगे, उसके बाद आपको शेष तीन सवाल जो है वो स्वयं से हल करना, किसी भी मेथड से जो आपको उचित लगे। देखिए मैं आपको इसमें से जो पहला सवाल है वो आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देखो आप जैसे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इस सवाल को, लिखा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस भाग पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन कराता है, 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन कराता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं, नियत जन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो इस सवाल को किस तरीके से हल करना है, इसका जो क्वेश्चन था वो काफी लॉन्ग था, काफी बड़ा था, तो देखिए इसको मैं डायरेक्ट हल करके बताता हूँ। कितना है, माना नियत व्यय, माना नियत व्यय, माना नियत व्यय बराबर एक्स। अब देखिए जो नियत व्यय है वो मैंने एक्स मान लिया है, अब उसके बाद जो प्रतिदिन भोजन का खर्च है वो भी आपको मानना है, तो यहां लिखना है प्रतिदिन, प्रतिदिन भोजन का व्यय, यानी एक दिन में भोजन के लिए कितने रुपए खर्च होते हैं, वाई, ठीक है ना, यानी जो कुल व्यय है वो एक्स है और जो भोजन का व्यय है वो वाई है। अब इसके बाद देखिए आपको सवाल स्क्रीन पर फिर से दिखाई दे रहा होगा, उसमें क्या लिखा है, सवाल में, सवाल में ये लिखा है, सवाल वाला कह रहा है फर्स्ट कंडीशन कि नियत व्यय, नियत व्यय कितना है, तो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं फर्स्ट कंडीशन अनुसार, प्रथम शर्तानुसार, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि जो नियत व्यय और भोजन का व्यय, यानी नियत व्यय और भोजन का व्यय, देखिए सवाल एक बार फिर से आप देख लीजिएगा सवाल को, उसमें लिखा है कि नियत व्यय शेष इस भाग पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन दिया है। जब विद्यार्थी 20 दिन भोजन कराता है, तो जो नियत व्यय है और प्रतिदिन भोजन का व्यय है वो कितना दिया हुआ है उसने, 1000 रुपए, कितना दिया हुआ है, 1000 रुपए। अब इसके बाद वो कहता है 20 दिन भोजन कराता है, कितना भोजन कराता है, 20 दिन, तो जो पर डे का खर्चा है वो वाई है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20y, तो यहाँ पर मैंने 20 का क्या करा दिया है, मल्टीपल, यानी एक्स प्लस 20y इज इक्वल 1000 रुपए। इसको हम मान लेते हैं अपना इक्वेशन फर्स्ट। अब देखना है सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, सेकेंड शर्तानुसार देखना है थोड़ी सा, नियत व्यय है वो एक्स है और जो भोजन का व्यय है वो वाई है, कितने दिन भोजन कराता है, 26 दिन, तो पर डे में 26 दिन का गुणा करा करके कितना रुपए लेता है वो, 1180 रुपए, तो ये हो जाएगा अपना एक्स प्लस 26y इज इक्वल 1180। इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब देखिए अब सवाल पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि भोजन का नियत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो स्क्रीन पर सवाल आया होगा भोजन का नियत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो देखो भोजन का नियत मूल्य किस तरीके से ज्ञात करते हैं, थोड़ी ध्यान से देखो स्क्रीन पर, फर्स्ट शर्त से जो हमें फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हुआ वो है एक्स प्लस 20y इज इक्वल 1000 और ये है अपना एक्स प्लस 26y इज इक्वल 1180, यानी 1180। ये समीकरण सेकंड है, ये समीकरण फर्स्ट है। अब देखिए इसमें आप विलोपन भी लगा सकते हैं, बजुगुणन खंड भी लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन, जो आपकी सुविधा अनुसार आपको सरल लगे। देखिए मैं आपको किसे विलोपन विधि से बता रहा हूँ, तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, जो समीकरण एक है और दो है दोनों को आपस में देख लेते हैं, समीकरण एक व दो से समीकरण एक है अपना x प्लस के 20y इज इक्वल 1000 और जो दूसरा है अपना x प्लस के 26y इज इक्वल 1180। देखो इसमें गुणांक मिलाने पड़ते हैं विलोपन विधि में, तो x का गुणांक
और यहाँ पर एक्स का गुणांक एक है, यहाँ पर एक्स का गुणांक एक है, और इसके बाद जब सेम गुणांक है तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं एक कंडीशन पर, जब इनके चिन्ह आपस में विपरीत हो। तो ये प्लस का है, तो यहाँ पर हमें कर लेना है घटाने पर, काय पर कर लेना है घटाने पर, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये भी हो जाएगा माइनस का, और ये भी हो जाएगा माइनस का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 20y है, ये 26y, ये देखो यहाँ आगे से देखना है आपको, ये 26y में से 20y जाएंगे या 20y जाएंगे, तो यहाँ पर बचेंगे माइनस के 6y, और यहाँ पर आपको देखना है यहाँ 1180 है, यहाँ 1000, तो जब 1180 में से 1000 जाएंगे तो ये बचेगा अपना माइनस के 180 अपना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई इज इक्वल 180/6, तो इससे आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18 यानी 30, वाई का मान आ जाएगा 30। अब वाई की जो वैल्यू प्राप्त हुई है उसको आप समीकरण एक में भी पुट कर सकते हो, समीकरण दो में भी पुट कर सकते हो, जिसमें आप चाहते हो, जिसमें आपको सुविधा लगे आप उसमें रख सकते हो। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, तो देखिए समीकरण एक अपना क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 20y इज इक्वल 1000, ठीक। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो कितनी आई है 20, तो ये हो जाएगा x प्लस के 20 × 30 इज इक्वल 1000। इतना होने के बाद देखिए x प्लस 3 × 6 यानी कि 600 आ जाएगा इज इक्वल 1000, x इज इक्वल 1000 माइनस के 600 यानी 1000 माइनस 600, तो जब 1000 में से 600 जाएगा तो कितना बचेगा 400, यानी x की वैल्यू कितनी आई है 400। तो हमने x क्या माना था, देखिए यहाँ पर भोजन का व्यय यानी नियत व्यय, जो टोटल व्यय नियत व्यय है वो x माना था, और पर डे का व्यय है जो वो y माना था। तो यहाँ लिखना है आपको कि जो नियत व्यय है, नियत व्यय कौन सा व्यय, नियत व्यय, नियत व्यय कितना आया है एक्स इज इक्वल 400 रुपए, एक्स का मान जो है वो 400 रुपए आ गया है नियत खर्च, और भोजन का जो व्यय है वो देखिए कितना आया है, भोजन का व्यय, भोजन का व्यय वाई माना था तो वाई की वैल्यू कितनी आई है 30 रुपए, यानी वाई का मान 30 और एक्स का मान 400 रुपए। सवाल है मैंने बताया था आपको, पहले ही बता दिया था कि मैं दो सवाल हल करवाऊंगा इसके, तो ये आपको पांचवा देखना है, पांचवा सवाल क्या कह रहा है देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सवाल, देखिए ध्यान से जरा पढ़िए और उसको कॉपी में नोट भी कर लीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। जब लंबाई को 5 इकाई कम किया जाता है और चौड़ाई को 5 इकाई बढ़ाया जाता है, यदि हम लंबाई और उसकी 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, तो देखिए आयत की विमाएं कैसे निकालेंगे, इसमें इसमें आयत की विमाएं निकालने के लिए हमें आयत की विमाएं यानी कि विमा मतलब लंबाई और चौड़ाई, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तो देखिए इस सवाल को बोर्ड पर मैं हल कर रहा हूं, किस तरीके से माना, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई इज इक्वल एक्स, आयत की चौड़ाई इज इक्वल वाई, हमने आयत की लंबाई मान ली है, हमने आयत की चौड़ाई मान ली है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई एक्स वाई। तो अब जब हमें आयत का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है तो अब हमें देखना है कि हमारा सवाल प्रथम शर्त अनुसार क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन सवाल क्या बता रहा है आपको उसको देखना है। देखो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम होता है, क्यों कम होता है, किस कंडीशन में कम होता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। देखिए बोर्ड पर उसने लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल
तीनों के बीच में ये बताया है कि लंबाई को और चौड़ाई को, लंबाई को जो है देखो ये जो लंबाई थी वो 5 कम की गई है और चौड़ाई को 3 बढ़ाया गया है और क्षेत्रफल के बराबर करना है और क्षेत्रफल में से इन दोनों को कम करना है। अब देखिए इसको आगे कैसे हल करेंगे, ये हो जाएगा अपना एक्स माइनस के, इनका पहले गुणा करा लेना है आपस में, तो एक्स का एक्स में होगा तो ये हो जाएगा एक्स एक्स, वो सॉरी यहाँ पर वाई है, एक्स नहीं है एक्चुअली, वाई है चौड़ाई तो यहाँ पर वाई है, तो एक्स का जब वाई में होगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और एक्स का जब थ्री में हो जाएगा तो ये होगा प्लस के 3x। अब 5 का कराना है तो ये हो जाएगा माइनस के 5y, और जब ये 5 का 3 में होगा तो ये हो जाएगा माइनस के 5 3 15। कोष्टक बंद कर लेना है, यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे आगे हल करना, एक्स वाई माइनस माइनस का अंदर गुणा कराइए तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 3x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5y, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 15 इज इक्वल 9। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स वाई की वैल्यू है वो माइनस में, ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3x प्लस 5y, ये जो 15 है इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 15 माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल 15 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 6। तो ये आ गया है अपना समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट अपना क्या आया है, माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल माइनस 6। अब इसके बाद जो समीकरण सेकंड है वो आपको किस तरीके से निकालना है, देखिए मैं सेकंड शर्त अनुसार, सेकंड शर्त आपको सवाल में देखनी है, सेकंड शर्त क्या कह रहा है, वो सेकंड शर्त को देखना है। देखो स्क्रीन पर दिखाई दे इसको बोर्ड पर, फिर से लंबाई जो है उसको कितना अधिक करना है, 3 अधिक करना है, और चौड़ाई को कितना अधिक करना है, 2 अधिक करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना y जो चौड़ाई मानी हुई है y प्लस 2 इज इक्वल, जो अपना क्षेत्रफल था वो था एक्स वाई, ये कितना अधिक होता है टोटल, ये होता है 67। देखो सेकंड शर्त कह रही थी कि लंबाई 3 अधिक और चौड़ाई 2 अधिक, क्षेत्रफल जो है वो 67 अधिक हो जाता है। देखो सवाल में आपने देखा होगा, अब इसको किस तरीके से हल करना, एक्स का मल्टीपल हो जाएगा वाई में तो एक्स वाई, एक्स का होगा 2 में तो प्लस 2x, और इसके बाद जो है 3 का होगा इसमें तो ये हो जाएगा अपना प्लस के 3y, और 3 का होगा 2 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 2 6 इज इक्वल एक्स वाई प्लस 67। अब देखिए ये एक्स वाई यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y ये 6 है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो इज इक्वल 67 माइनस 6, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। अब जो ये 67 है इसमें से आपको 6 कम कर देना है तो ये आ जाएगा अपना 61, 76 जाएगा तो क्या बचेगा 61। ये आ गया अपना इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, एनी वन किसी भी मेथड से आप इसको हल कर सकते हैं, भज गुणनखंड से भी कर दीजिएगा या प्रतिस्थापन से, अवलोकन से, किसी भी से। देखिए मैं अवलोकन से करके बता रहा हूँ, समीकरण एक को ले लेना है और दो को, दोनों को आपस में लिख लेना, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से। अब समीकरण एक क्या है अपना, समीकरण एक है माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल माइनस 6, और जो समीकरण सेकंड है वो है अपना 2x प्लस 3y इज इक्वल 61। देखिए दोनों समीकरण है, अब इनमें क्या करना पड़ता है, विलोपन में ये देखना पड़ता है कि दोनों के आपस में गुणांक किसी एक के समान होने चाहिए, तो यहाँ पर x का गुणांक माइनस 3 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो ये आपस में समान नहीं है, तो इनको समान करने के लिए क्या कर लिया जाता है, इसके गुणांक का इस पूरे में गुणा करा दिया जाता है, इसके गुणांक का इस पूरे में। तो देखिए मैं यहाँ पर 2 का गुणा किए दे रहा हूँ, यहाँ पर 3 का गुणा किए दे रहा हूँ, तो अब ये क्या बन जाएंगे आपको आगे चल के इनको देखना है, ये हो जाएगा 3 का 2 में होगा तो माइनस के 6x प्लस के 5 का 2 में होगा तो ये हो जाएगा प्लस के 10y इज इक्वल माइनस के 12। ये आ गया अपना पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, 3 2 6 6x प्लस 3 के इसमें तो 3 3 9y इज इक्वल 3 1 3 और 6 3 18, यानी कि ये आ गया है अपना 183, 3 1 3 और 3 6 6 18। अब देखिए दोनों के गुणांक जो है वो समान हो गए, यहाँ x का 6 है और यहाँ पर भी x का 6 है। अब इसको किस तरीके से हल करना है,
ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। किस पर? जोड़ने पर। जोड़ने पर हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए इनको आपस में ऐड कर देना है, तो 10 9 19 y इज इक्वल, इसको ये 183, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये जब आपस में घट जाएंगे, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू कम है, तो ये कम हो जाएगा, तो 3 2 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर है 8 8 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा अपना 7, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का, किसका आ जाएगा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा अपना। इसके बाद वाई यहां से देखना है, अब वाई इज इक्वल 171/19। देखिए जो ये 171 है, ये प्लस की वैल्यू ज्यादा थी तो प्लस का बचा है, इसके बाद यहाँ अपॉन में 19 जो यहाँ मल्टीपल में था वो इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 99/171, यानी कि 19 का भाग जब 171 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, तो फाइंड देन वाई वैल्यू 9, वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 9। जब y की वैल्यू निकल आई है तो y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 किसी में भी आप रख सकते हैं, तो देखिए मैं समीकरण 1 में रख के बता रहा हूँ y का मान, तो समीकरण 1 ये लिखा हुआ है, इसको मैं साफ किए दे रहा हूँ, यहीं पर बता दूंगा, तो ये निकल आएगा समीकरण 1 क्या है अपना। देखो समीकरण 1 को पहले नोट कर लेते हैं, ये लिखा हुआ माइनस के 3x प्लस के 5y इज इक्वल माइनस 6, इतना है अपना समीकरण फर्स्ट। तो y का मान यहाँ एक लाइन भी लिख सकते हैं आप, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपना क्या है माइनस के 3x और प्लस के 5y इज इक्वल माइनस 6, इसमें जो y का मान है वो फिल कर देना है, तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 5 इंटू y की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल माइनस 6। देखिए अब इसको ध्यान से देखना है जरा, ये हो जाएगा माइनस के 3x प्लस 95 या 45 होता है इज इक्वल माइनस के 6 हो जाएगा। अब ये कितना है यहाँ पर माइनस 3x, ये 45 है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस के 45, यहाँ पर प्लस की इसकी वैल्यू इस तरफ जाएगी तो चेंज हो जाएगी। अब ये क्या होगा माइनस के 3x इज इक्वल माइनस 6 और माइनस 45, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 51, 6 5 11 की 5 और ये आ जाएगा 1 कैरी हो जाएगा तो 415, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स अपॉन 51/3, तो एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी निकल के आई है 17 और जो वाई की वैल्यू थी वो कितनी निकल के आई थी 9। अब देखिए आप x की जगह पर x की वैल्यू रख सकते हैं, y की जगह पर y की वैल्यू रख सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखो क्षेत्रफल किस तरीके से निकालना है, इसको साफ करके यहाँ पर निकालना बताते हैं हम। क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा इस आयत का, जो ये आयत माना था जिसकी भुजाएं थी, विमाएं दी हुई थी सवाल में, आयत की लंबाई एक्स इज इक्वल 17 और आयत की चौड़ाई वाई इज इक्वल, वाई की वैल्यू कितनी आई थी 9। अब आयत का क्षेत्रफल, कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो देखिए लंबाई कितनी आई अपनी 17 और ये हो जाएगा 9, तो 97 जब होता है 63, तो यहाँ जाएगा अपना 36 हासिल आ जाएगी, और 9 1 9 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 153। आयत का जो क्षेत्रफल है वो आ गया 153 वर्ग मीटर। ठीक है, लिख लो इसको।